की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। राजस्थान विधानसभा में आज बजट अभिभाषण पर चर्चा होगी। ऐसे में आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। बजट पर चर्चा के लिए पार्टियों का समय तय कर दिया गया है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने समय तय किया है। बजट पर कुल मिलाकर 16 घंटे बहस चलने वाली है। बीजेपी को 9 घंटे 26 मिनट का समय मिला है तो कांग्रेस को 5 घंटे 25 मिनट का समय दिया गया है। भारतीय आदिवासी पार्टी को 15 मिनट का समय मिला है जबकि बहुजन समाज पार्टी को 10 मिनट का समय दिया गया है। निर्दलीय विधायकों के लिए 16 मिनट का समय तय है। इधर लोक दल के लिए 5 मिनट का समय तय हुआ है। विधानसभा की कार्यवाही 23 जुलाई तक चलेगी। सदन में रामबाग गोल्फ क्लब के संचालन में कथित भ्रष्टाचार का मामला भी गूंजेगा। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्र में विकास, राजस्व, वन, सहकारिता और ऐसे ऊर्जा के साथ ही कुछ विभाग होंगे जिनसे संबंधित सवाल जवाब सदन में होने वाले हैं। और जयपुर के ब्यूरो चीफ शशिमोहन शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शशिमोहन, आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं और कुल मिलाकर 16 घंटे बहस चलने वाली है। 16 घंटे कैसे बीतेंगे? अगर अभी से अगर अंदाजा लगाया जाए कि आज का दिन कौन कौन से विषयों के इर्द गिर्द घूमेगा तो आप बताएं कौन कौन से चर्चा के विषय हो सकते हैं। देखिए, आज एक तो महत्वपूर्ण ये है कि गांधी वाटी का जो पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय बनाई गई थी और उसके लिए एक न्यास बनाया गया था। इस न्यास के लिए कानून बनाया गया था और उस विधेयक को निरस्त किया जाएगा। उसके लिए निरसन विधेयक आज सदन में लाया जाएगा और केवल अभी ये पुरस्थापित किया जाएगा, आज पारित नहीं किया जाएगा। साथ में जो राजस्थान नदी बेसिन अथॉरिटी है और उसका वार्षिक प्रतिवेदन मंत्री सुरेश रावत रखेंगे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठेगा रामबाग गोल्फ क्लब का। इस क्लब के संचालन में कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप हैं। विधायक और पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ ने मुद्दा उठाए हैं। शुरुआत कार्रवाई की प्रश्नकाल से होगी और उद्योग विभाग, सामाजिक न्याय, जनजातीय क्षेत्र, रेवेन्यू, ऊर्जा, वन और सहकारिता विभाग के सवाल आज लगे हुए हैं। खास बात ये भी है कि जो 16 घंटे के समय की जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें से अधिकांश समय निकल चुका है। आज और कल बजट पर चर्चा होगी जिसका जवाब कल वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी देंगी। शाम का समय रखा गया है वित्त मंत्री दिया कुमारी के लिए। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष स्पीकर हम जुड़ी अपनी बात रखेंगे। अधिकांश वक्ता बोल चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों का चंबर बजट पर बोलने के लिए आ जाए इसके लिए आज और कल का दिन बचा हुआ है। शून्यकाल के बाद बजट पर जो बहस शुरू होगी उस दौरान तो हंगामा नहीं होगा लेकिन प्रश्नकाल और शून्यकाल में जरूर कुछ मुद्दों पर बात आ सकती है और पर्ची के जरिए जो 4 मुद्दे आएंगे वो भी अभी तय होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन जानकारियों के लिए। तो आज सदन में बहस चलेगी, लंबी बहस चलेगी। बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, बीएपी के लिए, लोक दल के लिए, हर दल के लिए, यहाँ तक कि निर्दलीय विधायकों के लिए भी समय तय हो चुका है कि किसे कितने मिनट का समय दिया गया है, किसे कितने समय बोलना है। जैसा कि शशिमोहन बता रहे थे, जनजातीय क्षेत्र में विकास को लेकर, राजस्व को लेकर, वन को लेकर, सहकारिता विभाग को लेकर, ऊर्जा विभाग को लेकर आज सवाल जवाब हो सकते हैं।